तो आज की क्लास में देखेंगे हम नाइव स्विच। अब देखिए जो नाइव स्विच हमारा है ये है डबल पोल और डबल थ्रो, ठीक है, क्योंकि देखो दो पोल इस साइड दे रखे हैं और दो पोल इस साइड दे रखे हैं। तो पोल कितने हो गए हमारे, ये पोल एक हो गया, ये दो हो गया, तो इसको बोलेंगे डबल पोल। और दो पोल क्या हैं, इस साइड भी है। और ये नाइफ के आकार का स्विच है, जैसे हमारा क्या होता है, एक चाकू होता है। डबल थ्रो का मतलब क्या होता है कि ये वाला पोर्शन हमारा इस साइड को भी वर्क कर सकता है और इस साइड भी वर्क कर सकता है, यानी कि थ्रो इस साइड को भी करेगा, ये इस साइड को भी करेगा। और जो ये फ्यूज लगे हैं ये पोर्सलिन के बने हुए हैं और ये फ्यूज किटकैट फ्यूज है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन हमारा फ्यूज बेस कहलाता है, ऊपर वाला पोर्शन हमारा फ्यूज कैरियर कहलाता है। इस कैरियर को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, देखो निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा देखो कैरियर है इसका और ये हमारा बेस है। इस कैरियर में क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। यह रिवायरेबल फ्यूज होता है, जितनी बार भी हमारा फ्यूज उड़ेगा उतनी बार हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब डबल थ्रो का मतलब क्या होता है, देखो ये इस साइड को भी वर्क कर सकता है, इसमें इस लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को, यानी कि थ्रो किस साइड करेगा, ये दोनों साइडों में थ्रो कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन कर रखे हैं। अब कनेक्शन करने में देखो क्या है, यहाँ पर से हमने इसको मेन इनपुट सप्लाई दे रखी है, ठीक है। तो दो वायर कहाँ कनेक्ट कर दिए हमने, अपने फ्यूज में, और उसके बाद के जो दो वायर निकले हैं आउटपुट में, ये हमने बीच वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करे हैं, जो इसके कौन से पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं। अगर मुझे सप्लाई को इस लैंप को देना है तो हम क्या करेंगे, उस समय इसको राइट साइड को कर देंगे। अगर हमें सप्लाई देना है इस लैंप को तो हम क्या करेंगे, इस नाइफ को हम इस साइड को कर देंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी हमारी, इस साइड हो जाएगी। तो यानी कि दोनों साइड को ये थ्रो कर सकता है और बीच वाला हमारा क्या रहेगा, इसमें कॉमन रहता है। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किट कैट फ्यूज हमारे इसमें ये लगे हुए हैं, जो किसके बने होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। अब इसको एक बार हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अब इस प्रकार हम इसको सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से सिंगल फेज एसी। सप्लाई देने के बाद क्या होता है, देखो जैसे हम सप्लाई ऑन करते हैं तो हमारा ये लैंप ग्लो करता है, क्योंकि स्विच की कंडीशन हमारी कहाँ है, अभी राइट साइड को है, तो लैंप हमारा क्या करेगा, राइट साइड वाला यहाँ पर जलेगा। अब इस स्विच को हम क्या करेंगे, इस साइड को करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है, जब भी इस स्विच से हम वर्क कराते हैं तो उस कंडीशन में हम इस पोर्शन को पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें इंसुलेशन नहीं है। हमें इस हैंडल की सहायता से ऐसे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को करना पड़ता है। करिए एक बार इसको लेफ्ट साइड को, देखो सावधानी पूर्वक करना है इसको। इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, इस स्विच को हम यहाँ पर लेफ्ट में कनेक्ट कर देंगे। अब सप्लाई देखो हमारी इस साइड पहुँच चुकी है और ये वाला लैंप क्या कर रहा है, हमारा ग्लो कर रहा है, और ये लैंप हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा नाइफ स्विच होता है, ये नाइफ स्विच हमारा क्या करता है, उच्च करंट को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में करंट को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आता है, देखिए इसमें इंसुलेशन नहीं होता है, विदाउट इंसुलेशन के यह होता है, और इस हैंडल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो हमारे इस प्रकार के नाइफ स्विच होते हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, यानी कि प्रयोग कहाँ करते हैं। जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर भी हम नाइफ स्विच का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर प्लांट होता है, वहाँ पर भी क्या करते हैं, हम नाइफ स्विच का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से स्टेशनों में, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में, ठीक है, वितरण केंद्र जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से क्या करते हैं, हम 11 kVA को 440 वोल्ट में बदल के क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों में और इंडस्ट्री में। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशनों में और हमारे जो होते हैं सब स्टेशन में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के नाइफ स्विच का प्रयोग करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, कि नाइफ स्विच का प्रयोग हम 30 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर की करंट वहन करने के लिए यूज करते हैं। कितना एम्पियर, 30 एम्पियर करंट जहां वहन करना हो और वहां से 1000 एम्पियर जहां करंट वहन होता है, वहां पर हमारे क्या होते हैं, जो नाइफ स्विच होते हैं वो अच्छी प्रकार से वर्क करते हैं। तो नाइफ स्विच का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, देखो एक सर्किट को ऑफ करने के लिए और दूसरे सर्किट को ऑन करने के लिए। तो इस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, नाइफ स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है, इस वाले को ऑफ किया था और इस वाले को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है, ऐसे सर्किटों में हम क्या करते हैं, नाइफ स्विच का यूज करते हैं। ये हमारे पास डबल पोल डबल थ्रो था, ऐसे ही क्या होते हैं, देखो सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी होते हैं, वहाँ पर क्या रहेगा, केवल इतना ही पोर्शन रहेगा जितना कि इसका एक साइड में दिखाया गया है, और
उसमें हम एक फ्यूज़ का यूज करते हैं। और दूसरा देखो इस प्रकार का भी होता है, ट्रिपल पोल ट्रिपल थ्रो। ये हमारा क्या है, ट्रिपल पोल ट्रिपल थ्रो है। इसमें तीन पोल इस साइड हैं और तीन पोल इस साइड है, बीच वाले पोल क्या है इसमें कॉमन रहते हैं। तो ट्रिपल पोल हो चुके हैं और ट्रिपल क्या रहेगा इसका, थ्रो रहेगा। तो इस प्रकार सिंगल पोल सिंगल थ्रो और डबल पोल डबल थ्रो और ट्रिपल पोल ट्रिपल थ्रो को हम क्या करते हैं, नाइफ स्विचों का यूज करते हैं। और जो हमने यहाँ पर फ्यूज लगा रखा है ये किटकैट फ्यूज है, और किटकैट फ्यूज एक ऐसा फ्यूज होता है जिसका सबसे अधिक मात्रा में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। अब इसके पार्ट्सों की बात करेंगे तो हमारे इन फ्यूजों के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नीचे का बेस, ऊपर का बोलते हैं इसको कैरियर। तो कितने भाग होते हैं किटकैट फ्यूज के, दो पार्ट होते हैं। नंबर एक हमारा कौन सा है, बेस है, दूसरा क्या है हमारा ऊपर का कैरियर होता है, इसको बोलते हैं फ्यूज कैरियर। और ये फ्यूज को जो हम बनाते हैं इस मटेरियल का नाम होता है पोर्सलिन, और पोर्सलिन के क्या करते हैं फ्यूज को बनाते हैं किटकैट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि किटकैट फ्यूज किस चीज़ के बनाए जाते हैं, तो किस चीज़ के बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, ये पोर्सलिन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यूज को कभी भी कैसे जोड़ते हैं, सप्लाई के सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में, हाँ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में फ्यूजों को कनेक्ट करते हैं। आप देखिए जो निम्न वोल्टेज के हमारे क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये 16 एम्पियर के बनाए जाते हैं, जैसा कि इस प्रकार से यहाँ पर फ्यूज के अंदर लिखा भी गया है 16 एम्पियर और 16 एम्पियर। तो कितने एम्पियर के बनाए जाते हैं निम्न में, 16 एम्पियर। और जो बड़े फ्यूज होते हैं 30 एम्पियर से लेके 3000 एम्पियर तक के बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी के क्या करते हैं फ्यूजों को बना सकते हैं, कौन से फ्यूज को, किटकैट फ्यूज को, 30 एम्पियर से लेके 3000 एम्पियर तक बनाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बड़े फ्यूज, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने नाइफ स्विच का प्रैक्टिकल किया है और इसके सारे एमसीक्यूज को देखा है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें बने हैं हमारे, जैसा कि पहला एमसीक्यूज हमारा क्या बन गया है, किटकैट फ्यूज। सबसे अधिक प्रयोग करने वाला फ्यूज कौन सा है, किटकैट फ्यूज। निम्न वोल्टेज में कितने एम्पियर के बने होते हैं, 16 एम्पियर के, जो इस पर लिखा भी है। और उच्च वोल्टेज में हम क्या बना लेते हैं इसको, 30 एम्पियर से लेके 3000 एम्पियर तक। और किटकैट फ्यूज हो चाहे कोई भी फ्यूज हो, उनको सप्लाई के कैसे जोड़ते हैं हम, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और किसके बनाए जाते हैं हमारे, ये पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, क्योंकि पोर्सलिन क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। और जो यहाँ पर नाइफ स्विच के क्वेश्चन बने थे, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक होती है। और देखो ये तीन प्रकार के बनाए जाते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो और ट्रिपल पोल ट्रिपल थ्रो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता अनुसार और भी इनको बना सकते हैं, और इनका यूज़ सब स्टेशन में किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रों में किया जाता है। और इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम हैंडल बोलते हैं, और जो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट बना है बीच का, ये ब्लेड होता है, क्या होता है, ब्लेड होता है। और ये इसके क्या होता है, कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके कॉन्टैक्टों के क्या दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये टर्मिनल दिखा रखे हैं, जिनमें हम क्या करते हैं वायर को कनेक्ट करते हैं। तो नीचे इसके टर्मिनल हैं, ऊपर इसके कॉन्टैक्ट हैं। तो इस प्रकार हमने इसके सारे एमसीक्यूज को आज देखा है। थैंक यू।